इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। इधर देखिए, इधर 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 मैडम मैडम कौन है? और जिस तरह से आज के जमाने में एक भाई दूसरे भाई के हक के लिए लड़ता है और
अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़ता है, ज्यादातर जमीनी विवाद में फंसा रहता है। लेकिन आज तहसीलदार साहब ने बताया कि आपके बड़े भाई, उनके बड़े भाई जो है वो बहुत ही उनको ध्यान देते हैं और एक बुलावे पे चले जाते हैं। इसमें क्या राज है, इस चीज को जरा सा विस्तार से बताइए ताकि अन्य लोग भी समझ पाए। ये मेरे छोटे भाई रामन जी हैं और मैं इनसे 7 साल बड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैंने इनको गोद में खिलाया है और इन्होंने जो निर्णय लिया है वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं अकेला था, राम जी अकेले थे, लक्ष्मण जी की कमी थी, तो ये कभी कभी मिलते थे, तो भगवान की कृपा है ये अब हम लोग साथ में रहेंगे और प्रेम हम लोगों का जैसा है भाइयों में आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो अब इनके आ जाने से पूर्ति हो जाएगी। एक तरफ लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, आप अपनी सर्विस को बीच में ही छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मेरी इच्छा जो है जब तक इस सेवा में रही तब तक मैं सेवा देता रहा अपना पूरे तन मन और धन से, और अंतिम समय में यह कहने में संकोच नहीं होगा कि मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरण कमलों में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस सेवा को त्याग किया। तो क्या संदेश जाएगा इससे अन्य लोगों में जो लोग सर्विस कर रहे हैं और कुछ लोग सर्विस की तलाश में? इस संदर्भ में हमें यही कहना है कि चूंकि हम अपनी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे, मेरा पारिवारिक दृष्टिकोण, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक ही रही, मेरे बच्चे अच्छे स्थान पे हैं, मेरा बेटा जाब में है, मैकेनिकल इंजीनियर है जापान में, मेरी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरी छोटी बेटी हाई स्कूल में है, तो मुझे अपने भ्राताश्री, पिताश्री, माताश्री सबका आशीर्वाद ही रहा कि मैं अपनी सेवा से। अभी अभी मंच से वकील साहब ने बताया कि बड़े भाई का आप जब भी बुलाते हैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो वकील साहब ने जो भी कहा अक्षरशः सही कहा, वो बड़े भाई की भूमिका में सदैव रहे और रहते हैं, और जैसे कि हम अपने नाम, जो मेरा नाम है राम अनुज, तो लक्ष्मण हुए मेरे बड़े भाई श्री राम दयाल, तो राम हुए, तो सदैव जो है उनकी शपथाया मिली। एक नायक मजिस्ट्रेट होने के नाते अक्सर भाई भाई का बंटवारा या मारपीट किसी भी मामले को लेकर आपके पास ऐसे बहुत सारे मामले आए होंगे, तो उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते थे और क्या निर्णय करते थे? फाइनली तो मैं न्यायिक दृष्टिकोण से ही देखता था, लेकिन प्रारंभिक मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखता था और लोगों को समझाता था कि व्यवहार को जो है देखते हुए कानून की परिधि में आए और उसका सुगम न्याय किया जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।